तो हमारे साथ इस वक्त रेणुका सिंह जी हैं, शानदार जीत दर्ज की है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जीत की। हाँ, धन्यवाद। जीत का श्रेय किसको दे रही है, क्या मान रही है? देखिए, जीत का श्रेय सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, और इस जीत को सुनिश्चित किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, साथ में पिछले दो सालों से देश के ये चुनाव प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कुशल प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ और बहुत बेहतर परिणाम आए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और जहां से आप सांसद वहां से तो क्लीन स्वीप कर दिया आपने। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टीएस बाबा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया था, उन्होंने उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जनता उनके झांसे में आ गई और संभाग की 14 की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई, लेकिन 5 साल जनता इंतजार करते रह गई और ठीक 2023 के चुनाव में जनता ने उनको वोट के रूप में जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिया। भाजपा को बड़े बहुमत में महिला वोटर्स का भी बड़ा योगदान है। महिला मतदाताओं का समर्थन मिला है, इसके साथ साथ हमारे किसान नौजवान ये वो बच्चे थे जो 2500 रुपए भत्ता का इंतजार करते रह गए, और आज छत्तीसगढ़ में भी हमारे बच्चे अच्छी नौकरियों में जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पीएससी और व्यापम और बहुत सारी ऐसी नौकरी देने वाली एजेंसियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें अधिक से अधिक पैसे की लेन देन की बात आई, इसलिए पढ़े लिखे नौजवान बच्चे भी इस बार कांग्रेस के विरोध में नजर आए। 2018 में तो सरगुजा से मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया, 2023 में लग रहा पूरी उम्मीद है सरगुजा से मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा और जनता का आशीर्वाद मिला। अब मुख्यमंत्री कहाँ से होगा, कौन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं बहुत हूँ इस बात से खुश कि जो भरतपुर सोनहत क्षेत्र है वो मेरा मायका क्षेत्र है और मुझे अपने मायके का सेवा करने का अवसर मिला है। भरतपुर सोनहत छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आज 60% एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पहुंच विहीन गांव है, लोग बहुत हलाकान परेशान हैं, तो मैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। तो रेणुका सिंह जी थी, बड़ी जीत हासिल की है, सरगुजा सांसद हैं और सरगुजा में क्लीन स्वीप इस बार भाजपा ने किया है। मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार रेणुका सिंह मानी जा रही है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।